पाए गए बताया गया कि बुजुर्ग पूरे लॉकडाउन के समय घर पर ही थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बुजुर्ग कोरोना से पीड़ित कैसे हुए, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी इंदौर की 95 साल की दादी कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुकी है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बुजुर्गों को स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने एक बेटे के साथ अस्पताल लेकर पहुंची। परिवार के बाकी सदस्यों को घर पर ही क्वारंटाइन किया गया है। पीड़ित के बेटे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पिता एक बार भी बाहर नहीं निकले। 4 दिन पहले पेट में दर्द हुआ तो परिवार वालों ने डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे और खून की जाँच करवाई तो पता चला कि किडनी में इन्फेक्शन है। इसके बाद चोइथराम अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि पिता को निमोनिया हो गया है। यहां से उन्होंने जांच के लिए सेल्वी अस्पताल जाने को कहा। इसके बाद हम पिता को लेकर बुधवार को निजी लैब पहुंचे, जहां कोरोना की जांच करवाई गई। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि पिताजी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद गुरुवार दोपहर 2 बजे टीम आई और पिता और बड़े भाई को लेकर अरविंदो हॉस्पिटल गई। बेटे का कहना है कि पिता जब घर पर ही थे तो फिर इस वायरस के शिकार कैसे हुए, इसका कुछ पता नहीं चल पाया है।